हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल इन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो आज मैं आप लोग को वेदर और क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में बताऊंगी कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी एक जगह का अलग अलग दिन का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे है और फ्राइडे है। 5 डेज का यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है किसी एक जगह का, कि मंडे को वहाँ कितना हाई टेम्परेचर था और लो टेम्परेचर था, और ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे और फ्राइडे को फिर टेम्परेचर कितना कितना बढ़ा और कितना कितना घटा, ये सब कुछ दिखा रहा है इसमें। इससे हमें क्या पता चलता है? ठीक है, क्या स्टडी द वेदर चार्ट गिवन बिलो, इट गिव्स अस द वेदर फोरकास्ट फॉर अ प्लेस इन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत के किसी एक जगह का ये जो वेदर से संबंधित, जो मौसम से संबंधित सूचनाएं यहाँ दर्शाई गई हैं कि कितना कम से कम कितना टेम्परेचर रहा किसी दिन और अधिक से अधिक कितना तक टेम्परेचर हुआ। तो नीचे कह रहा है डिस्क्राइब द वेदर बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द चार्ट। इस चार्ट के पढ़ने के आधार पर, यानी कि इस चार्ट को हम लोग पढ़े देखे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मंडे को टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना रहा 15 डिग्री सेल्सियस और लो टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वहाँ पर मंडे को क्या है, सूर्य किस, आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया है कि आधा सूर्य भी दिखाई दे रहा है और आधा सूर्य बादल से ढका हुआ है, यानी कि कभी धूप निकल रहा है और कभी बादल छा रहा है, और टेम्परेचर जो है कभी मतलब अधिक से अधिक 15 डिग्री सेल्सियस हुआ है और कम से कम -2 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का टेम्परेचर मंडे को रहा है। तो फिर ट्यूजडे को भी ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अधिक से अधिक 12 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी कि माइनस में भी टेम्परेचर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये किसी ठंडा यानी ठंडे इलाके का, ये जगह का टेम्परेचर तापमान दर्शाया गया है। तो वही कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेदर बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द चार्ट। चार्ट के अध्ययन के आधार पर वेदर को बताना है कि वहाँ पर कैसा मौसम है जिस जगह का ये टेम्परेचर चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिस जगह का ये चार्ट दिखाया गया है वहाँ पर कौन विंटर सीजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन में ही जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठीक है, व्हाट सीजन इज द प्लेस एक्सपीरियंसिंग, कह रहे हैं कि इस जगह पर किस तरह का सीजन महसूस किया जा रहा होगा, यानी कि उस समय जिस समय का ये मौसम का जो सूचनाएँ दिया गया है चार्ट में, उस समय किस तरह का वहाँ पर सीजन रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि विंटर सीजन वहाँ पर था। ठीक है, जिस समय का ये चार्ट शो किया गया है। विच मंथ कुड बी इट बी, मई और दिसंबर। अब कह रहा है कि ये जब का चार्ट बनाया गया है उस समय कौन सा महीना रहा होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है कि नॉर्थ इंडिया का ये किसी एक जगह का जो वेदर से संबंधित सूचनाएं यहाँ शो किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब और विंटर सीजन है तो इसका मतलब कि नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में
विंटर सीजन किस महीने में होता है? तो दिसंबर में होता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि विच मंथ कुड इट बी, कौन सा महीना हो सकता है? तो दिसंबर महीना हो सकता है। किसी जगह के दिसंबर महीने का ये 5 डेज का यहाँ पर टेम्परेचर हमें दिखाया गया है, चार्ट में शो किया गया है। ठीक है, गिव अ रीजन फॉर योर एंसर, कह रहे कि अपने एंसर का रीजन बताइए, कारण बताइए कि क्यों यहाँ दिसंबर ही हो सकता है। यहाँ कह रहे हैं हिंट में, इन विच हेमिस्फीयर इन इंडिया लोकेटेड, नॉर्दर्न और सदर्न। तो कह रहा है कि जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में? तो आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है इक्वेटर से नॉर्थ में स्थित है, तो इसलिए इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर महीने में विंटर सीजन होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, रीजन गिव अ रीजन फॉर योर एंसर, यानी कि जो इस जब का ये चार्ट दिखाया गया है वो नॉर्थ इंडिया के किसी एक जगह का है और वो दिसंबर महीने का ही ये चार्ट है। और ये कह रहे हैं कि इसका कारण ये है कि ये दिसंबर महीने का ही चार्ट है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन दिसंबर महीने में होता है। ठीक है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पर मई महीने में क्या होता है, विंटर सीजन होता है। जब हमारे यहाँ कड़ाके की गर्मी पड़ती है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ मई महीने में ठंडी पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आगे आप यहाँ देख सकते हैं, दो भाई बहन आपस में बात कर रहा है, ये लोग दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक छोटा भाई है जो खिड़की से बाहर देख रहा है, और खिड़की से बाहर वो क्या देख रहा है, जब वो खिड़की से बाहर देख रहा है तो उसे बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ओ नो व्हाट टेरिबल वेदर, वी विल नॉट बी एबल टू प्ले फुटबॉल टूडे एज वेल। ये जब लड़का बाहर देख रहा है खिड़की से तो इसे दिखाई दे रहा है कि कड़ाके की बारिश हो रही है, तो कह रहा है कि वो नो व्हाट टेरिबल वेदर, कितना भयानक मौसम है, वी विल नॉट बी एबल टू प्ले फुटबॉल टूडे, आज हम लोग बाहर फुटबॉल खेलने नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, तो बारिश में कोई बाहर फुटबॉल खेलने कैसे जाएगा। तो इसलिए ये लड़का जो बाहर खिड़की से बाहर देखता है और बारिश होती है तो ये देख करके और चकित होता है और कहता है कि अरे ये तो बाहर में बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, मौसम बहुत भयानक हो गया है, आज हम लोग कैसे फुटबॉल खेलने जाएंगे। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, वेदर, वेदर, ये लड़का जो है इसे वेदर कहा है। अब आप देखिए नीचे लड़की जो है ये क्या कह रही है, आई हैव नेवर सीन सो मच रेन इन माई लाइफ, दिस मस्ट बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस प्लेस इज यूजली सो ड्राई। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, आई हैव नेवर सीन सो मच रेन इन माई लाइफ, कह रही है कि मैंने अपने जीवन में अभी तक इतना बारिश नहीं देखा है। ठीक है, दिस मस्ट बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्य कारण ये है कि जलवायु जो है चेंज हो रहा है, अभी जो जलवायु है वो चेंज होने के कारण, जलवायु चेंज होने के कारण ये बारिश जो है इतना तेज हो रही है, इस लड़की का कहना है। ठीक है, दिस प्लेस इज यूजली सो ड्राई, ये जो जगह है यह जगह है ये सामान्य रूप से ज़्यादा सूखा हो गया है, इसीलिए बारिश ज़्यादा हो रही है, कह रहे इसका मतलब ये जो लड़की है उसका कहने का मतलब है। आगे हम देखेंगे अब आगे क्या हो रहा है, हियर
अरुण यूज द वर्ड वेदर एंड विद्या यूज द वर्ड क्लाइमेट। आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि हियर अरुण यूज द वर्ड वेदर। अभी आप पीछे पढ़ें कि जो अरुण है यानी कि लड़का है वो वेदर शब्द का यूज करता है, जबकि जो लड़की है उसका नाम विद्या है वो क्लाइमेट शब्द का इस्तेमाल करती है। तो कह रहा है कि डू द टू वर्ड्स मीन द सेम थिंग और आर दे डिफरेंट। कह रहे हैं कि क्या ये दोनों शब्द जो वेदर हैं और क्लाइमेट है, ये दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ एक जैसा है या दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। वेदर इज द स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ सर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट दोनों जो है एक दूसरे से अलग होता है। ये भी है कि दोनों में कुछ संबंध भी है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होता है। वेदर क्या होता है? वेदर इज द स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर किसको कहते हैं? जो एटमॉस्फेयर पर्यावरण में थोड़े थोड़े छोटे छोटे समय पर ही जो चेंजिंग होता है, एटमॉस्फेयर की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें थोड़े थोड़े समय पर ही जो बदलाव होता है, उस थोड़े थोड़े समय के लिए बदलाव जो होता है उस बदलाव को वेदर कहा जाता है। जिसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि सुबह जब आप जगते होंगे तो कड़ाके की धूप छाई होती है, कुछ देर के बाद क्या होता है, जोरों से आंधी आती है, उसके बाद कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि घनाघोर बादल आकाश में छा जाता है, और फिर कुछ देर के बाद देखेंगे तो दोपहर के बाद क्या होता है कि मूसलाधार बारिश होने लगती है। तो एक ही दिन में फिर क्या होता है, बारिश होने के बाद फिर शाम तक क्या होता है कि धूप भी निकल जाता है। तो एक ही दिन में कई बार और कई तरह के मौसम का हो जाना, बदल जाना, एक ही दिन में धूप भी हो गया, तूफान भी आ गई, बादल भी छा गया और बारिश भी हो गई, फिर धूप भी निकल गया। तो इस तरह के जो एक ही दिन में बहुत जल्दी जल्दी में ही थोड़े थोड़े समय में ही जो बदलाव आता है एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, इस बदलाव को ही वेदर कहा जाता है। ठीक है, इट कैन चेंज एवरी फ्यू आवर्स इन द कोर्स ऑफ अ डे। जो वेदर है ये क्या करता है, इट कैन चेंज एवरी फ्यू आवर्स, ये थोड़े थोड़े घंटे में ही, यानी बहुत कम समय में ही क्या होता है कि बदलते रहता है, बदल सकता है। इन द कोर्स ऑफ अ डे क्या होता है, एक ही दिन में थोड़े थोड़े समय पर बदलते रहता है, बदल जाता है क्या चीज़, जो वेदर होता है वो वेदर। वेदर मीन्स मौसम। अ प्लेस दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ वायलेंट स्टॉर्म राइट नाउ मे हैव हैड काल्म सनी वेदर जस्ट अ फ्यू आवर्स एगो। कह रहा है आप यहाँ देख सकते हैं कि अ प्लेस दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ वायलेंट स्टॉर्म राइट नाउ। कह रहा है कि एक जगह जिसे, जहाँ पर क्या होता है कि अभी जस्ट राइट नाउ, मतलब कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत हिंसक तूफान महसूस हो रहा है, लग रहा है कि बहुत जोरों से तूफान चल रही है। माइट हैव हैड काल, और कुछ देर बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो शांत हो गया। ठीक है, सनी वेदर जस्ट अ फ्यू आवर्स एगो, जबकि कुछ समय पहले
धूप निकला हुआ था, बहुत जोरों से धूप निकला हुआ था। तो ये क्या है? वेदर कैन बी डिस्क्राइब एज हॉट, कोल्ड, वाइंडी, ह्यूमिड, क्लाउडी और रेनी। यानी कि वेदर को हम कई तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेदर को हम वर्णन करने के लिए हम, जैसे कि मान लीजिए कभी हॉट यानी गर्मी, कभी बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है, थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। कभी कभी आप लोग बरसात के समय में देखे होंगे कि सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप निकली होती है और धूप के साथ साथ बहुत गर्मी पड़ती है, और कुछ देर के बाद क्या होता है कि बादल छाता है और बारिश होती है बहुत मूसलाधार, और बारिश होने के बाद फिर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और हमें हल्की ठंडा भी ठंडी भी महसूस होने लगती है। फिर तो ये क्या होता है, ये सब कुछ यानी कि हम वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए, वेदर मौसम को वर्णन करने के लिए हम हॉट, गर्मी का, कोल्ड का, विंडी, हवा, ह्यूमिड, आर्द्रता, बादल, रेन, रेनी, वर्षा, इन सभी चीज़ों, सभी वर्ड का यूज कर सकते हैं। और ये थोड़े थोड़े समय पर एक दिन में भी हो सकता है, ठीक है। कभी बादल छा जाएगा, कभी बारिश हो जाएगा, कभी हवाएं चलने लगेगी, कभी थोड़ी देर में ठंडा पड़ने लगेगा या कभी गर्मी भी महसूस होने लगेगा। ये क्या करता है, तो ये जो थोड़े थोड़े समय में जो बदलाव होता है, ये बदलाव क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है, ठीक है। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लार्ज एरिया और अक्रॉस अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हैं कि जो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेदर क्या चीज है, ठीक है, और वेदर किसे कहते हैं। तो आगे मैं आप लोग को क्लाइमेट के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्लाइमेट क्या है, ठीक है। आप क्लाइमेट देख सकते हैं, क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया अक्रॉस अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कि जो क्लाइमेट है वो कि ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ, एक तरफ हम लोग वेदर को देखें कि ये बहुत थोड़े थोड़े समय में बदल जाता है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो क्लाइमेट होता है यानी जलवायु होता है, ये क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन, जो एवरेज यानी कि औसत स्थिति जो होता है पर्यावरण का ये होता है, और ओवर अ लार्ज एरिया, ये बहुत लंबे क्षेत्रफल का होता है, किसी एक खास जगह का नहीं होता है, बहुत लंबे क्षेत्रफल, बहुत लंबे एरिया का होता है, क्षेत्र का होता है। अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम भी बहुत लंबा उसका होता है, एरिया भी लंबा होता है और समय भी उसका लंबा होता है। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में, पूरे इंडिया की हम बात करेंगे कि इंडिया में जो क्या होता है कि अप्रैल, मई, जून तक क्या होता है, समर सीजन होता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक क्या होता है कि मॉनसून सीजन होता है। फिर हम माने तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक क्या होता है, विंटर सीजन होता है। तो ये क्या हुआ, ये जो सीजन का जो पीरियड है, टाइम है, ये लंबा हो गया नवंबर से लेकर के फरवरी तक, या दिसंबर से लेकर के हम फरवरी तक कहें तो इस तरह से, या हम कहें कि हाफ अप्रैल से लेकर के जून तक, ये सब क्या है, ये समर सीजन है। तो ये लंबा समय हुआ, जहाँ कि हम देख रहे हैं कि वेदर जो है एक ही दिन में कई तरह से चेंज हो गया, घंटों, एक घंटे के बाद ही, आधे घंटे के बाद ही बदल गया। जहाँ कि हम क्लाइमेट को देख रहे हैं कि ये पूरे दो माह, तीन माह, चार माह की हम बात कर रहे हैं कि एक ही जैसा क्लाइमेट रहा, ठीक है। तो ये समय क्या होता है, लॉन्गर होता है, ठीक है, लंबा होता है, क्लाइमेट का लंबे समय तक एक ही जैसा चलता है, और ये औसत हम बताते हैं, न कि हम एग्जैक्टली बताते हैं। जैसे
जो वेदर होता है वो एक ही दिन में कई तरह का बदलाव हो जाता है, तो उसको हम वेदर बोलते हैं। मौसम में, पर्यावरण में एक ही दिन में कई तरह के जो बदलाव होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। लेकिन वही बदलाव का एवरेज, एवरेज यानी औसत, औसत हम जो निकालते हैं, ऐसे जब विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन में भी कभी बादल आता है, कभी धूप आता है, कभी तेज़ी से बारिश भी होने लगती है। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा विंटर सीजन शुरू से लेकर लास्ट तक का जो समय होता है, इस लंबे समय को हम क्लाइमेट बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। लेकिन उस जलवायु के अंदर यानी लंबे 3 माह 4 माह का जो विंटर सीजन होता है, उसके बीच में भी किसी दिन ठंडा पड़ने लगता है, किसी दिन थोड़ा तेज आंधी पड़ने लगती है, किसी दिन बारिश होने लगता है, तो इस चेंजिंग को हम वेदर कहेंगे। ठीक है, एक ही दिन में कई जो बदलाव होता है इसको हम वेदर कहेंगे। ठीक है, जो क्लाइमेट है क्या है, ये 30 साल या इससे भी ज़्यादा दिनों तक का हम मान सकते हैं, जैसे हम हमारे, और इसका एरिया भी लॉन्गर होता है। जैसे आपको वेदर जो होता है क्या होता है कि कभी आप देखे होंगे कि किसी एक जगह पर छोटे एरिया में क्या होता है कि कभी बारिश हो रही होती है और उसके 1 किलोमीटर दूर ही हम देखते हैं कि धूप निकली होती है। तो ये क्या है, जो वेदर है वो थोड़े समय के, थोड़े जगह के अंतराल पर ही अलग अलग हो सकता है। जो वेदर है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, उसका एरिया जो है वो भी छोटा होता है। ठीक है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो पूरे बहुत लंबे एरिया का बताया जाता है। जैसे इंडिया में क्लाइमेट जो होता है, इंडिया का जलवायु जो है हम बोलते हैं, या किसी जगह, किसी लंबे एरिया का हम जलवायु को बता सकते हैं। किसी एक खास स्पेशल जगह का हम जलवायु नहीं बताएंगे ना कि यहाँ पर का ऐसा जलवायु है, इसे बता सकते हैं उसको भी, लेकिन जलवायु जो है जो रिकॉर्ड किया जाता है वो ज़्यादा लंबा एरिया का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट नॉर्थ इंडिया हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, और दैट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट विद नो मार्क सीजनल चेंज। कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए यहाँ बताया जा रहा है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि वी कैन से, हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो इंडिया का नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बहुत क्या है, बहुत अत्यधिक होता है गर्मी, गर्म समर सीजन में, और विंटर सीजन में बहुत अधिक ठंडा होता है। ठीक है, पूरे इंडिया की बात यहाँ किया जा रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ की बात किया जा रहा है कि विंटर सीजन बहुत ठंडा होता है और समर सीजन बहुत गर्म होता है। ठीक है, जबकि करें कि दैट और दैट द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया हैव एंड इक्वेबल क्लाइमेट, जबकि हम देखते हैं कि जो कोस्टल प्लेन होता है, कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, तो जो समुद्र के तट के पास का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेबल यानी एक समान होता है, एक जैसा होता है, न तो कभी ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ और न ही कभी ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ, विथ नो मार्क सीजनल चेंजिंग, और वहाँ पर सीजन के अनुसार ज़्यादा बदलाव नहीं होता है मौसम में। जैसे विंटर सीजन, इंडिया में जब विंटर सीजन होता है तो जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी नहीं पड़ती है, या इंडिया में जब समर सीजन होता है तो जो इंडिया के जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर कड़ाके की गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा सा चढ़ाव उतराव आता है, और थोड़ा सा जब समर सीजन आएगा तो थोड़ा सा हल्का ठंडा विंटर सीजन की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, और जब फिर विंटर सीजन आएगा तो थोड़ा सा हल्का ज़्यादा, मतलब विंटर ठंडा महसूस होगा। ठीक है,
वरना क्या होता है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है लगभग एक समान सालों भर होता है। ठीक है, अनलाइक वेदर द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन स्टेट कंस्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। क्योंकि वेदर के जैसा ऐसा नहीं है कि जो वेदर जो होता है वो क्या होता है कि बहुत छोटे एरिया और छोटे छोटे थोड़े थोड़े समय में बदलने लगता है, लेकिन ऐसा क्लाइमेट के साथ नहीं होता है। क्लाइमेट जो होता है ये पूरे एक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी लगातार कंस्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगातार बहुत लंबे समय तक का जो एवरेज स्थिति होता है एटमॉस्फेयर का उसे बताया जाता है इसके द्वारा क्लाइमेट के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लाइमेट क्या है और जलवायु क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे मैं इस लेसन के बारे में और जो इसमें डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, इसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है या मतलब इसका क्या क्या वेदर और क्लाइमेट का चेंज होने का रीजन क्या क्या होता है, क्या 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 अफेक्ट करता है, ये सब कुछ आगे की जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट और वेदर है इसको प्रभावित करता है, किसी जगह के क्लाइमेट कैसा होता है तो उस पर क्या पर क्या किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो ये वेदर और क्लाइमेट बदलता रहता है, ये मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।